अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का रिज ब्लॉग्स के चैनल पे। तो आज मैं फिर से एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो इफ्तार स्पेशल नहीं बल्कि सहरी स्पेशल है, जिस रेसिपी का नाम है ब्लैक पेपर लेमन चिकन। तो आप लोग इसे सहरी में पराठों के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। प्लस आप लोग ईद आने वाली है तो इसे ईद में भी बना सकते हैं। तो चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ब्लैक पेपर लेमन चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन ली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हम ये चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पर ली हूँ मैंने आधे नींबू का रस, यहाँ पे ली हूँ एक छोटा चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर, ये भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर है। उसके अलावा यहाँ पर दो छोटा चम्मच भर के मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ली हूँ। आधे छोटे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ली हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आधी वाटी दही ली हूँ। ये सारा मैंने अपनी चिकन के वज़न के हिसाब से ली हूँ, क्योंकि मेरी पास जो चिकन है वो वज़न में कम है। आप लोग अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से सारे मसाले ले। पहले मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं ये सारे पाउडर मसाले इसमें ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं इसमें ये दही ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। उसके बाद मैं आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारी चीज़ों से चिकन को मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है ये रेसिपी, और बहुत ही इजी है इसे बनाना। इंशाल्लाह आप लोग इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मसालों के साथ मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसे मैरिनेट करके अब मैं 30 मिनट के लिए रख दूँगी। 30 मिनट बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम पे रखी हुई, इसमें मैंने ऑयल गरम करी हूँ 3 चम्मच। अब इसमें मैं ये मैरिनेटेड चिकन फ्राई करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के साइड चेंज करूँगी मैं। ये देखिए सारे चिकन के मैंने साइड चेंज कर ली हूँ। हमें इसी तरह से चिकन पे ब्राउन स्पॉट चाहिए, तो यही कलर चाहिए हमें चिकन का। मैं फिर से पैन गरम पे रख दी हूँ और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले में डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डालूँगी आधा चम्मच मैं मिर्ची का पेस्ट डालूँगी, हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। उसके बाद मैं ये फ्राई चिकन इसमें डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। उसके बाद जो ये मैरिनेशन किया हुआ बच गया था बैटर, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ले लूँगी। इसे कवर करके मैं 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक होने दूँगी। अब मैं इसका लीड हटा दूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े पानी में इस तरह से घोल बना ली थी, तो अब मैं इसे इसमें ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें घर की जमी 2 चम्मच भर के मलाई ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। आप लोग फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, ब्लैक पेपर लेमन चिकन। अभी मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसे डिश आउट कर ली हूँ गर्मा गर्म, और इसके ऊपर बटर डाली हूँ और थोड़ी सी मलाई डाली हूँ माशाल्लाह से। तो बहुत यम्मी बनती है ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी होती है। हम इसे कल इंशाल्लाह पराठों के साथ इंजॉय करेंगे। आप भी इसे सहरी में बनाइए, पराठों के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ इसे इंजॉय कीजिए। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, और इस तरह से जब आप गर्मा गर्म रेडी करें तो उसके ऊपर बटर डाल के खाइए, बहुत यम्मी लगेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अगर आज आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा।
इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी या एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखिए। तो चलिए दीजिए अब मुझे इजाज़त, मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों को बहुत जल्द। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।